हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नई अपडेटेड स्कोडा कुशाक के बारे में। कुशाक के अंदर क्या क्या अपडेट आए हैं उसकी हम आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे। अभी वेरिएंट की बात करें तो हमारे पास में इसका एकदम टॉप एंड वेरियंट है स्टाइल 1.0 ऑटोमेटिक, जिसका एक शोरूम प्राइस है 17,71,000 रुपीज़। और इसके मैनुअल वेरियंट की बात करें तो इसके मैनुअल वेरियंट का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 16,11,000 रुपये। और स्कोडा कुशाक के अंदर दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1.0 का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। स्कोडा कुशाक को जो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है, उस हिसाब से यह गाड़ी सेफेस्ट मिड साइज एसयूवी भी है। बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले हेडलाइट सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है सिंगल प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिल जाता है, साथ ही में हेलोजन इंडिकेटर और DRL भी उसी के अंदर दे रखा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हेलोजन में फॉग लैम्प मिल जाता है, जो कि कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आ जाता है। काफ़ी बढ़िया सी मैसिव ग्रिल आपको इस गाड़ी के अंदर दे रखी है। यहाँ पर आपको जो है स्कोडा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर फॉग लैम्प की प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ना कि नीचे की तरफ। फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया सा लगता है। और अब इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो साइड से भी जो इस गाड़ी की लुक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पर देखने में लगती है। साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है सिल्वर कलर में अलॉय व्हील्स दिख रहे होंगे, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल इस गाड़ी के अंदर दे रखा है 205/55R17 का। आगे की तरफ डिस्क, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, 17 इंचेस के अलॉयस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और रिट्रेक्टेबल ORVM के साथ में स्कोडा की बेजिंग यहाँ पर दे रखी है। टर्न इंडिकेटर भी उस पर मिल जाता है और यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाता है, ऊपर की तरफ रूफ रेस दे रखी है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड, आपको जो है यहाँ पर आपको हल्का सा क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है डोर हैंडल्स पर। पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स और 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। फ्यूल कैप जो है आप यहीं से खोल भी सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो है कुछ इस तरीके का मिल जाता है। अब हम इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले टेल लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है LED टेल लाइट है वो मिल जाती है। रिवर्स लैंप और इंडिकेटर यहाँ पर दे रखा है, उसी के नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइपर, वॉशर, डिफोगर जैसी सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर दे रखी है। यहाँ पर स्कोडा की बेजिंग मिल जाती है और कुशाक की बेजिंग यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आपको जो इस गाड़ी के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है और 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। एक बार इस साइड से भी आपको लुक चेकआउट कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके की लुक जो है आपको ओवरऑल इस गाड़ी की देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करते हैं, आप यूजुअली जो इस गाड़ी का बूट स्पेस है वो दूसरी गाड़ियों से कम है, मतलब वहाँ पर आपको 433 लीटर्स का मिल जाता है क्रेटा में, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 385 लीटर्स का मिलेगा, जो कि थोड़ा सा कम है क्रेटा से। यहाँ पर पार्सल ट्रे भी इसके अंदर दे रखी है। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं, उससे पहले आपको इसकी की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की फ्लिप की इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट को अनलॉक करने के लिए बटन दे रखा है। फ्लिप की मिलती है लेकिन इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पुश बटन भी आता है। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं, ड्राइवर साइड के जो डोर है उस पर रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल जाएगा। डोर ट्रिम की बात करते हैं तो इस तरीके का डोर ट्रिम आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि ब्लैक एंड थोड़ा सा लाइट टोन में मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल और पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, चारों पावर विंडोज और ORVM के कंट्रोल यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा सॉफ्ट टच यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर बोतल होल्डर दे रखा है और स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पर 6 स्पीकर मिलते हैं, 4 स्पीकर 2 ट्विटर। ये नया अपडेट आया है इस गाड़ी के अंदर कि अब इस गाड़ी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल सीट आ चुकी है, जो कि आगे पीछे आप कर सकते हैं और रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ डेट पेडल दे रखा है, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ब्रेक और एक्सलेशन पेडल ही मिलता है यहाँ पर केवल। और ऑटोमेटिक जो आपके हेडलाइट है वो भी मिल जाते हैं यहाँ पर, हेडलाइट लेवलर और पुश बटन स्टार्ट भी इस गाड़ी के अंदर दे रखा है। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है लेदराइट सीट अपोस्ट्री मिलती है, वेंटिलेशन भी मिल जाता है फ्रंट 2 सीट्स के लिए। और इंटीरियर भी आप देखेंगे तो काफ़ी क्लासी सा इंटीरियर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो है इस गाड़ी की MID की बात करते हैं, क्योंकि वो जो है इस गाड़ी का एकदम बढ़िया सा पार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है कुछ इस तरीके का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा और इसका जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर लगता है। आप देखेंगे तो आप इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ड्राइविंग इन्फो, इकोनॉमी वगैरह। इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है, तो वो सारी चीज़ें आप भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। और उसके जो सारे कंट्रोल्स हैं वो आपको स्टेयरिंग पर ही देखने को मिल जाएंगे, यहीं से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और सारी चीज़ें जो आप देखना चाहें यहाँ पर आपको जो है इसके कंट्रोल दे रखे हैं।
और स्टेयरिंग व्हील भी कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया सा लगता है। यहाँ पर जो है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल दे रखे हैं। और स्टेयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट इसके अंदर दे रखे हैं। और यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील में आपको पेडल शिफ्टर्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है और रेन सेंसिंग वाइपर इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। क्रूज कंट्रोल और हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पर कंट्रोल दे रखे हैं। बाकी आपको हेडलाइट ऑन ऑफ करनी है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। हेडलाइट भी आपकी ऑटोमेटिक इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी का जो नया अपडेट आया है वो एक और ये दूसरा अपडेट है। यहाँ पर आपको 10 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि पहले 8 इंच की हुआ करती थी। तो ये एक अपडेट आ चुका है। यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी आपको, जो कि काफ़ी बढ़िया सी बात है। मतलब वो वाला पुराना इतना क्लास ही नहीं लगता था, ये थोड़ा अच्छा बढ़िया सा लगता है। और टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी बढ़िया सा है। एस इवेंट्स का डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है हैजार्ड लाइट का बटन दे रखा है। और जो है नीचे जो एसी वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मतलब एसी के कंट्रोल से वो टच है, तो वो कई बार अपने आप टच हो जाते हैं। अगर आप टच नहीं करते हो तो भी, तो वो एक दिक्कत वाली बात लगी मुझे इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के बटन दे रखा है। सीट में आपको वेंटिलेशन मिलता है फ्रंट टू के लिए। और यहाँ पर आपको जो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन भी इस गाड़ी के अंदर दे रखा है। और यहाँ पर आपको जो है ये पूरा का पूरा टच पैनल मिलता है, जो कि कई बार अगर आपका हाथ भी लग गया तो वो चालू हो जाता है, तो कई बार वो जो है दिक्कत थोड़ी थोड़ी सी दे देता है। यहाँ पर 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर दे रखा है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये देखो बार बार टच हो जाता है तो वो चालू हो जाती है ऐसी, उसमें कई बार इश्यू हो जाता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम बात करें, इसको बंद कर देता हूँ 1 मिनट, नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और 2 टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है सिल्वर फिनिश दे रखी है, मैनुअल हैंडब्रेक दे रखा है। और आर्मरेस्ट जो है इस गाड़ी का स्लाइडेबल है और सॉफ्ट टच भी मिलता है। लेकिन कोई भी कूल वगैरह का फंक्शन इस गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट में नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर यहाँ पर दे रखे हैं, एक स्पेस मिल जाती है। और ग्लव बॉक्स की बात करें, डैशबोर्ड लेआउट आप देख लो पहले, और ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स मिलता है। ओवरऑल जो इस गाड़ी का डैशबोर्ड लेआउट है वो भी एकदम प्रीमियम सा लगता है। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM दे रखा है। इस साइड कोई भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो है लाइट दे रखी है जो कि LED में है। और यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर भी इस साइड मिल जाता है। और ऊपर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर सनरूफ दे रखा है। इलेक्ट्रिक सनरूफ है, पेनारोमिक सनरूफ नहीं है, जो कि इस सेगमेंट की कई सारी गाड़ियों में आता है। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ से तो ये सनरूफ थोड़ा सा बड़ा ही है। और यहाँ पर एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। अब हम जो इसके सेकेंड रो की बात करते हैं, तो सेकेंड रो के डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको सेकेंड रो में मिल जाएगा। यहाँ पर डोर हैंडल दे रखा है, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो का स्विच, स्पीकर की प्लेसमेंट और बोतल होल्डर यहाँ पर मिल जाती है। और पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। एक बीच में सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है और 2 कप होल्डर भी इसके अंदर दे रखे हैं। स्पेस तो जो है इस गाड़ी के अंदर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। चाहे आप लेग रूम की बात करें, नी रूम, थाई सपोर्ट, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से मिलती है। और हेडरूम की भी बात करें तो हेडरूम भी जो है इस गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया से मिल रहा है। मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मुझे हेडरूम मिल रहा है। और लेदराइट सीट अपोस्ट्री मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम सी लगती है। यहाँ पर देखने में तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ऊपर की तरफ एक लाइट भी दे रखी है। और काफ़ी बढ़िया सी जो कंफर्टेबल सीट्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यहाँ से ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो कुछ इस तरीके का लगता है। यहाँ पर पीछे की तरफ पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स भी दे रखे हैं। और 2 टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ से जो ओवरऑल डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर ABS, CVT, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPM में जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी आपको इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया सी बात है क्योंकि सेफेस्ट कार है तो वो सारी चीज़ें बनती है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर बोनट ओपनर देखने को मिलेगा। और अब इस गाड़ी के मेन पार्ट है वो है, मेन बात है वो इस गाड़ी के इंजन की है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में यूजुअली गाड़ियों के अंदर इतनी पावर होती नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है एक 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 114 BHP की और 178 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी का जो क्लेम माइलेज है वो हाईवे पे करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर का है। कुछ इस तरीके का ओवरऑल काफ़ी बढ़िया सा इंजन भी मिल जाता है और काफ़ी पावरफुल इंजन जो है लोग इसे मानते हैं। तो ये थी आज की वीडियो स्कोडा कुशाक के एकदम टॉप एंड अपडेटेड वेरियंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।